ग्रेटर नोएडा में हल्की बारिश से विकास कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हल्की बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग पानी के अंदर घुसकर निकलने के लिए मजबूर हैं। देखिए ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज संवाददाता रजत कुमार की ये रिपोर्ट। तुलना विदेशों से यूपी के उस शहर में मौजूद है जिसकी तुलना विदेशों से की जाती है, ग्रेटर नोएडा। लेकिन हल्की बूंदाबांदी के बाद ही ग्रेटर नोएडा की स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके देख सकते हैं, जलभराव है वो हो चुका है। ये सूरजपुर कस्बा है, वो कस्बा है जो कि प्रशासनिक कहे तो गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। डीएम कार्यालय यहाँ है, कमिश्नरेट मुख्यालय यहाँ है, जिला न्यायालय यहाँ पर। उस स्थिति को देखोगे कहीं ना कहीं प्राधिकरण जो कि विकास के दावे करते हैं कि हमने विकास कार्य किए हैं, सड़कें बनाई हैं, लेकिन छोटी सी कहीं ना कहीं देख सकते किस तरीके से चारों तरफ जलभराव हो चुका, सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी है। हल्की बूंदाबांदी के बाद ही प्रशासन ने जो बादों की पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। वो ग्रेटर नोएडा जहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, वो ग्रेटर नोएडा जहाँ पर फिल्म सिटी बनने वाली है, उस ग्रेटर नोएडा स्थिति है वो काफी भयानक है। जगह जगह पर जलभराव हो चुका है। ये हर साल इस जगह पर जलभराव है वो होता देख सकते हैं। चारों तरफ जलभराव है और लोगों को इसकी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रशासन की बात करें तो जो सेक्टर इलाके है प्रशासन उसी पर ही फोकस कर पाता है, ना कि ग्रामीण क्षेत्र पर। हर साल की स्थिति है वो हो जाती है, कहीं ना कहीं विकास के दावे होते हैं वो ग्रेटर नोएडा की जो पोल खोलते हुए नजर आ रही। रजत कुमार, ग्रेटर नोएडा, इंडिया न्यूज़।